नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला दोस्तों आईटी कंपनी के एक ऐसे स्टॉक की जो कह सकते हैं निवेशकों को लगातार गिरावट के निवेशक इस स्टॉक से बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए हैं क्योंकि ये लगातार गिरावट दिखा रहा है दोस्तों। और बीच में जो थोड़े बहुत बाउंस बैक आते हैं वो कह लीजिए सस्टेनेबल नहीं रहते हैं। निवेशक बहुत बहुत ज़्यादा परेशान इस बात को लेकर के हैं कि आखिर ये स्टॉक में चल क्या रहा है, क्योंकि आप स्टॉक में आपको दिखाऊंगा जब बात करूंगा स्टॉक मोर देन 40% का नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। और अब ये है कि जिस तरह से वो कंसोलिडेट कर रहा है, ना ही वो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है। इस वीडियो में हम चर्चा करके इस बात को कह लिए ढूंढने की कोशिश करेंगे या उस रीजन को तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है इसकी। और मेरा मेन फोकस इसके कुछ टेक्निकल एनालिसिस पे होगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव ये वीडियो होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो अब सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए एम्फेसिस लिमिटेड, ठीक है, आप देखें आज भी 3.24% की गिरावट हुई है। और देखिए अगर मैं पिछले एक साल की बात करूं, जो आपसे कह रहा था मैं कि भाई एम्फेसिस एक साल में बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दे चुका है, आप देखें ये यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में 40% है। जबकि अगर हम थोड़ा ऊपरी स्तरों पर जाएंगे और वहां से चेक करेंगे मोर देन 42.53% स्टॉक गिर चुका है दोस्तों, ठीक है। और अब देखिए इसका प्रॉब्लम यह है कि यूएस में, यूएस के मार्केट्स में थोड़ी भी गिरावट आती है, आईटी पैक भारत का थोड़ा भी गिरता है तो ये स्टॉक बहुत बुरी कदर आपको कह लीजिए गिरते हुए दिखाई देगा, ठीक है। आप जरा पिछले 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो ये देखिए ये गिरा, ये फिर ऊपर गया, फिर ये गिरावट हुई, फिर ये जा करके अब ये एक एक लेवल में ही सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, और ये भी अगर टूटता है तो वापस से गिरावट होगी। और इसने जो एक बहुत ज्यादा मैं कहूंगा एक मजबूत जो सपोर्ट था आज ये तोड़ दिया है दोस्तों, और वो है 2000 रुपीज का, ठीक है। 2000 के एक बहुत तगड़े साइकोलॉजिकल सपोर्ट को भी इसने बड़े मात्रा में तोड़ा है और सस्टेन किया है, यानी कि अब और ज्यादा गिरावट के जो दरवाजे हैं वो खुल गए हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं कल का दिन इस बात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोजिंग बेसिस पे टूट गया और क्लोजिंग दोस्तों काफी नीचे हुई 2000 से, ठीक है। तो जो 2000 के नीचे जो क्लोज दिया है दोस्तों, इसके बाद स्टॉक जो है दोस्तों मुझे लगता है कि कल का दिन इंपॉर्टेंट ये है इसलिए है, अगर ये सस्टेन कर जाता है तो फिर चीजें और भी ज्यादा आप कह सकते हैं भयावह हो सकती हैं गिरावट के तौर पे। और इसके लिए हमें जरा 6 महीने का चार्ट देखें और एक साल का चार्ट देखते हैं, माफ कीजिएगा, तो आप देखेंगे कि तो निगेटिव ट्रेजेटरी में टेक्निकली इतना ज्यादा स्ट्रक्चरली वीक हो चुका है कि इस पर अभी आप ज्यादा बात ही नहीं कर सकते हैं। और अगर हम थोड़ा 5 साल में जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये जो स्टॉक है ना, ये आप देखें तो इस गैप को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है, ये जो भाग गया था आप देखो। अगर ऐसा होता है तो ये कौन से लेवल है अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखेंगे कि ये जो लेवल है ये 1786 के आसपास है दोस्तों, ये देखिए 1786 यानी कि जो 1750 से लेकर के 1790 आप कह सकते हैं, जो 40 रुपए का लेवल है, शायद एम्फेसिस एक बार टेस्ट करने में दिखा दे। क्योंकि दोस्तों देखिए फ्री फॉल चल रहा है इसमें, ये गया ये ने सस्टेन किया, यहां से गिरावट हुई तो वापस से शायद यहां आ जाए, ठीक है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज होगी, और वो निवेशक जो आप कह सकते हैं निवेश में हैं मुझे लगता है उनको इस लेवल में जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो गिरावट और ज्यादा सीवियर हो सकती है, गिरावट और ज्यादा बढ़ सकती है। और देखिए अभी तो भारतीय बाजार भी ऊपर है, और अगर बाजार बड़े स्तरों पे नीचे गिरता है तो आईटी पैक भी उससे नहीं अछूते रहेंगे दोस्तों, और वो स्टॉक जो ऑलरेडी टेक्निकली बहुत वीक है वो और ज्यादा बड़ी गिरावट दिखा सकते हैं। और अगर 1750 भी टूटता है दोस्तों तो 1500 भी स्टॉक जा सकता है। लेकिन करेंटली ये जो 1500 आप कह सकते 1750 1790 का जो लेवल है ये अभी तक के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो निवेशक जो कह लीजिए बहुत ज्यादा ऊपरी स्तर में फंसे हुए हैं मुझे लगता है उनके स्तर आने में अभी एम्फेसिस को बहुत बहुत समय लगने वाला है दोस्तों, क्योंकि पहला स्ट्रक्चरली स्टॉक बहुत वीक है, ठीक है। अगर बात करूं पहला तो स्टॉक स्ट्रक्चरली बहुत वीक है दोस्तों,
ठीक है, जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा डर हुआ है या जिस सेक्टर में क्राइसिस चल रहा है, तो वो इसी सेक्टर में आता है दोस्तों, आईटी सेक्टर, ठीक है, आईटी सेक्टर में आता है। और तीसरा है दोस्तों कि बाजार भी, कि मार्केट भी ऑल टाइम हाई में हो चुका है, यानी 52 वीक हाई के छू के आ रहा है और अब थोड़ा थका हुआ गिरावट दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर गिरावट होती है तो ये तीनों चीजें ही मिला के स्टॉक को थोड़ी बड़ी गिरावट दिखा सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए और कल का दिन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।